ಮಾನವ ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಐದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಸಕ್ತರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೈನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ एक जगह न ठहरना जहाँ भी जाना हो चलते हुए जाना लोगों में धर्म का संदेश देना प्रभु के संदेशों को संसार में फैलाना आत्मकल्याण करना व्यसनों का त्याग करना ये सारी बातें जनता को भी सिखाते हैं त्याग भी करवाते हैं और त्यागमय जीवन से उनके जीवन में बहुत अच्छे भाव उभरते हैं आठ महीने साधु विचरण करते हैं विहार करते हैं पैदल चलते हैं गांव-गांव जाते हुए फिर जैसे ही बारिश के दिन आते हैं तो एक जगह पर ठहरते हैं उनका नियम रहता है प्रभु का ये आदेश है चार महीना एक जगह पर ठहर करके रह करके खुद के आत्मकल्याण में साधना में प्रगति करना गति करना और वहाँ के निवासी जैन अजैन जो कोई लोग रहते हैं उनके जीवन के अंदर भी धर्म साधना का प्रवेश हो वो भी उन्नति के लिए आत्मकल्याण के लिए आत्म उद्धार के लिए ऐसा कुछ उपाय करें जैसा प्रभु ने बताया तप करना जप करना क्रियाएं करना अनुष्ठान करना प्रार्थना करना स्तुत्र पाठ करना इस तरह से अगर ये जनता सभी लोग भी जुड़ते हैं तो उनके जीवन में भी एक अच्छा कल्याण का रास्ता उनके लिए भी खुलता है ऐसे इस साल के लिए हम लोग धारण में आए चार महीने यहाँ पर ठहरे हुए हैं यहाँ के जैन भाइयों ने हमसे निवेदन किया कि इस वर्ष आप चातुर्मास के लिए यानी कि बारिश के दिनों के लिए यहाँ पर रहिए और यहाँ आने के बाद में ये इतना अच्छा यहाँ पर माहौल बना हुआ है रोज़ रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के भाई बहन तप में जुड़े हुए हैं हमारा तप थोड़ा कठिन रहता है उपवास करते हैं तो उपवास में अन्न नहीं होता है केवल पानी के आधार पर उनको रहना पड़ता है पानी भी उबला हुआ तीन बार उबलने के बाद बॉयल किया हुआ वो पानी वो ले सकते हैं इस तरह से कई भाई कई बहन तीस तीस उपवास कर रहे हैं और उसी के साथ में और भी लंबे लंबे तब चल रहे हैं तो यहाँ आने के बाद में सभी लोग बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं जैन लोग तो ले रहे हैं लेकिन अन्य यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं प्रवचन सुन रहे हैं प्रभु के संदेशों को ग्रहण कर रहे हैं और इस तरह से साधु ये चाहता है खुद का आत्मकल्याण करते करते अन्य जो उनके निकट में आने वाले उनके सत्संग में आने वाले परिचय में आने वाले उनका भी कल्याण हो ऐसे हमेशा अच्छी राह दिखाते हैं अच्छा उपदेश देते हैं और सभी के कल्याण की सभी के सुख की कामना करते हैं।